उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पंचायत चुनाव हुआ, जिसके लिए जिले में 1,235 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर मतदाताओं ने 19 जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले। तो ग्राम प्रधान के लिए 273 के लिए वोट डाले गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य 471 और 3,633 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले गए। जैसे ही हमारी कैमरा टीम गांव बाबूगढ़ के मतदान केंद्र पर पहुंची तो वहां पर मतदाताओं की इतनी भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान ही नहीं था, लेकिन मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा था। गांव की महिलाएं मतदान करके आते हुए अपनी उंगली पर लगे निशान को दिखाती नजर आई। वहीं गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार गुड्डू भी अपना वोट देकर आते नजर आए। जब हमारे संवाददाता ने गुड्डू से बातचीत की तो गुड्डू ने अपने आप को विजयी होने की बात की और गांव की जनता का सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि आने समय में गांव वालों की व उनके सेवक की जीत होगी। वैसे तो हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, यह तो आने वाला ही समय बताएगा कि कौन जीता व कौन हारा। कैमरामैन नवजीत के साथ चंदन सिंह की रिपोर्ट।